नमस्कार, मैं फाल्गुनी एंड आई एम सुनीला। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्नाटक गायन और कलाकार हैं बॉम्बे लक्ष्मी राजगोपालन। आपने 3 वर्ष की आयु में ही गायन शुरू कर दिया था। यस फाल्गुनी, शी वॉज इनिशियली ट्रेन्ड बाय हर मॉम। टू नो मोर अबाउट हर, लेट्स वॉच दिस क्लिपिंग। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह, और उसमें जब जीवन साथी का भरपूर सहयोग हो तो क्या कहना। ऐसा ही कुछ है बॉम्बे लक्ष्मी राजगोपालन के साथ। गुरु TR बालामणि के स्पर्श से जिनके संगीत में निखार आया, संगीत के जाने माने समारोह में गाकर जिसने अपनी झोली में अनेकों सम्मान व ख्याति अर्जित की। गुरु में निष्ठा, ईश्वर में श्रद्धा और संगीत के प्रति समर्पित व्यक्तित्व की साधिका बॉम्बे लक्ष्मी राजगोपालन। मेरा जन्म बम्बई में हुआ था। हम लोग 5 बहन हैं। मेरी पहली इनिशियल ट्रेनिंग मेरी मम्मी से हुई थी। हम लोग 5 बहन होते भी उन्होंने कैसे भी हम लोग को गाना सिखाना ही है करके उन्होंने एक गाना सिखाया। आज हम लोग जो भी हैं माँ बाप का आशीर्वाद से हैं और गुरुजी का आशीर्वाद से। एंड सेकेंडली माताजी पिताजी गुरु बोलते हैं। ऐसे अच्छा गुरुजी हम लोग को मिला बम्बई में। हम लोग श्रीमती TR बालामणि के शिष्य हैं। हम लोग सब 5 बहन बैंक में सर्विस करते थे, लेकिन अभी बैंक में भी पोजीशन में थी, मैनेजर की पोजीशन में थी, तो संगीत भी नहीं होता था, दोनों साथ में नहीं कर पाती थी। इसलिए आई हैड टू टेक VRS फ्रॉम द बैंक। और मैं आफ्टर VRS मैंने अभी फुल टाइम संगीत के लिए मैं डिवोट कर रही हूँ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ऐसा गुरुजी का मेरा आशीर्वाद है और शंकराचार्य जी की भी मेरे पे पूरा आशीर्वाद है। हम लोग उधर माटुंगा के एक राम मंदिर में आस्तिक समाज करके एक मंदिर है, राम मंदिर, वहाँ पे हम लोग बहुत साल से प्रोग्राम करते, बचपन से हम लोग प्रोग्राम करते आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो मुझे पहला हमको टाइटल दिया था माटुंगा सिस्टर्स करके, तो उसके बाद हम लोग बहुत पॉपुलर हो गए। आज भी हम लोग मेरे नाम से ज़्यादा माटुंगा सिस्टर्स से ज़्यादा हम लोग पॉपुलर है। हम लोग साथ में लक्ष्मी भाग्यलक्ष्मी करके माटुंगा सिस्टर्स करके गाते थे। तो उसके बाद उसकी शादी हो गई, तो फिर बाद में मेरी छोटी बहन के साथ मैंने गाने को चालू किया। फिर उसकी भी शादी हो गई, वो भी मद्रास चली गई, तो अभी मुझे तो अकेली गाना पड़ते। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत तो होती थी स्टार्टिंग में, तो अभी मेरे को तो अभी आई हैव टू गेट यूज टू। लेकिन मम्मी डैडी ने इतना हमारे लिए संगीत सीखा के हमारे लिए इतना जो कुछ भी किया है, तो मैंने सोचा कि संगीत तो कोई सी भी हालत में मुझे छोड़ना नहीं और मुझे तो कंटिन्यू करना ही है। संगीत ही मेरी सब कुछ है। देखा सुनीला, कितना अच्छा लगा ये सब कुछ देखकर और जानकर। अब बारी है गायन की। आप प्रस्तुत करने जा रही हैं निदय राधा राग बसंत भैरवी में। द म्यूजिक इज कंपोज बाय त्यागराजा। सो लेट्स लिसन टू निदय राधा। आर्टिस्ट इज बॉम्बे लक्ष्मी राजगोपालन। निदय राधा, 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 निदय
अभी आपने सुना निदय राधा राग बसंत भैरवी में कृति त्यागराजा की थी। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर रवि अनंतरामन और मृदंगम पर शंकर नारायणन। ऑन घटम वॉज महेश परमेश्वरन, मोर सिंह शक्तिधरन एंड तानपुरा वॉज प्रिया शंकर नारायणन। अब आप प्रस्तुत करने जा रही हैं राग षणमुख प्रिया में मरीवेरदी। पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर की ये रचना है। आइए सुनते हैं मरीवेरदी।
Yeah.
After this lovely composition, let's watch another composition in Raag Bhogendra Shaina, which is composed by legendary composer Swati Tirunal. So let's listen to Kuntal Varali. Bhogendra Shainam Puru Gujalada. कार्यक्रम का समापन कर रही हैं भजन से, तो आइए सुनते हैं भजन। कलाकार हैं बॉम्बे लक्ष्मी राजगोपालन और आप देख रहे हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। हरे 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 Hari 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 Hey.
द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो जी हरी तुम घरो जन के भीर द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो जी हरी तुम घरो भगत कारण रूपन रघरी दर्यो आप शरीर भगत कारण रूपन रघरी दर्यो आप शरीर हरि नक श्यप मारी हो हरि नक श्यप मारी हो दर्यो नहीं हरी तुम घरो जन के Hari